सब्सक्राइब करें अकाउंट्स हवेली चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को अपडेटेड अकाउंटेंसी वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो दोस्तों, अकाउंट्स हवेली में आपका स्वागत है। आज ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये कोई एकेडमिक से या कोर्स रिलेटेड हमारी वीडियो नहीं है, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है। जनरली मैंने ये सेटअप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इस सेटअप को यूज़ करके वीडियो बनानी स्टार्ट की, तो जो साथ के टीचर्स थे या बाकी और लोग जो नॉन थे या जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड है, उनके कॉल आने स्टार्ट हो गए। उन्होंने मुझसे पूछना स्टार्ट किया कि भाई आप इस तरीके के सेटअप पे वीडियो कैसे लेते हैं, हमें भी इसकी जानकारी दे दीजिए। तो स्टार्टिंग में जब मेरे माइंड में आया कि मुझे थोड़ा सा इनोवेटिव होना है और कुछ ऐसा तरीका लगाना है कि जो देखने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इतनी वेल नोन टेक्निक नहीं है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इनोवेटिव रहने वाली है और आने वाले टाइम में ये बूम कर जाएगी और सब लोग ऐसे ही वीडियो बनाना प्रेफर करेंगे। तो आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको लाइट बोर्ड का यूज़ करके वीडियो बनानी है, तो आप किस तरीके से लाइट बोर्ड की वीडियो बना सकते हैं या कैसे आप लाइट बोर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम हमें ये आती है कि लाइट बोर्ड होता क्या है। सभी के माइंड में ये प्रॉब्लम आती है कि ये लाइट बोर्ड है क्या, कैसे हम वीडियो बनाएंगे, और फिर हम उसके बारे में रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो कोई खास डेटा हमें मिलता नहीं है। सब ने वीडियो डाली हुई है दो दो तीन तीन मिनट की कि ये है वो है, लेकिन पूरा डिटेल में किसी ने कुछ नहीं बताया हुआ कि लाइट बोर्ड के लिए आपको कौन सा ग्लास लेना है या क्या क्या करना है। अगर आप उनसे पूछते हो तो वो कंसल्टेंसी फीस वगैरह आपसे लेने लग जाते हैं और फ्री में 4-5 हज़ार रुपये आपको देने पड़ जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपकी हेल्प की जाए और आपकी उस अमाउंट को बचा दिया जाए ताकि आप इजीली घर बैठे अपना एक लाइट बोर्ड बिल्ड करा लें। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़े बहुत ये जो बड़ी वगैरह होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, इनकी हेल्प लेंगे थोड़ी सी, तो आप आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, आप उन्हें बता देंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका काम भी अच्छा हो जाएगा और साथ में जो वीडियो होने वाली है वो इतनी मज़ेदार होगी कि आप खुद ही अच्छा महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि वाह मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और अपने आप में आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आपको अपना लाइट बोर्ड बनाना है। चलिए तो मैं अब आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ कि कैसे आप एक लाइट बोर्ड को बिल्ड कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में, सस्ते से सस्ता ये लाइट बोर्ड आप बना सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं या थोड़ा बहुत कारपेंटर वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि कौन सा ग्लास की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है, कौन से ग्लास को हम यूज़ करें, किस तरीके का ग्लास होता है, क्या ये कोई स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास है जिस पर हम लोग लिखते हैं, जिसमें आपके सामने जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ एक ग्लास के सामने खड़ा हुआ हूँ, उसी पर मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। तो क्या ये ग्लास कोई स्पेशल काइंड का होता है? तो मैं जनरली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दो तीन तरीके के ग्लासेस या सीट हमें मार्केट में मिलती हैं। एक प्लेक्सी ग्लास हम बोलते हैं, एक्रिलिक सीट एक आती है, या फिर आप नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप प्लेक्सी ग्लास यूज़ करें, जरूरी नहीं है आप एक्रिलिक सीट यूज़ करें, क्योंकि जनरली ये महंगी आती हैं और साथ में इन पे खतरा रहता है स्क्रेचेस का, जो स्क्रेचेस हैं वो ज़्यादा पकड़ लेती हैं एक्रिलिक सीट एक ग्लास में जो। लेकिन अगर मैं ग्लास की बात करूँ तो ग्लास पे स्क्रेचेस बहुत रेयर चांसेस हैं। अगर आपने कोई किसी ऐसी चीज़ से, खुदड़ी चीज़ से आप इन्हें यूज़ कर दिया तो चांसेस हैं कि स्क्रैचेस आ जाएं, अदरवाइज ग्लास पे स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दैट्स वाई मैंने जो ये हमें यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे सामने एक ग्लास है। ये मैंने ग्लास कैसे लिया था, मैं ग्लास शॉप पे गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर एक ग्लास चाहिए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि मेरे माइंड में था कि जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर एक गेट होता है जो कांच का होता है और जनरली हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि वहाँ कोई गेट है और हम उससे जाकर टकरा जाते हैं। तो मेरे माइंड में चल रहा था कि जब कांच इतना क्लियर हो सकता है तो फिर हमें कोई और सीट लेने की जरूरत नहीं है, और प्लस में कांच थोड़ा सा सस्ता भी पड़ रहा था। तो मैंने एक्रिलिक सीट को प्रेफर ना करते हुए एक नॉर्मल कांच लिया और मैंने उनसे मांगा ट्रांसपेरेंट कोई भी ग्लास मुझे आप दिखा दीजिए, क्रिस्टल क्लियर के नाम से भी आप उनसे मांग सकते हैं ग्लास को जाकर। पहचान कैसे करें, जब आपने जो ग्लास है, ग्लास के साइड से अगर आप उसके इंटरनल फेस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल वाइट दिखाई देगा। अगर आपको वहाँ वाइट दिखाई नहीं देता है, ब्लू या किसी और कलर का आपको दिखाई देता है, तो फिर आपका ग्लास इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो पहली चीज़ कि ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप बोल दें कि मुझे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर ग्लास चाहिए, इसकी जगह आप एक्रिलिक सीट भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, पर एक्रिलिक सीट पे चांसेस हैं कि स्क्रेचेस आ जाए। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं ये मेरा एक ग्लास है जिसको मैं खरीद के लाया हूँ। मैं बता देता हूँ अपने डायमेंशंस, मैंने अपना ग्लास जो लिया है वो 4x6 का लिया है।
मैंने कितने का लिया है अपना ग्लास, 4x6 का मैंने अपना ग्लास लिया हुआ है, और साथ में जो थिकनेस है मेरे ग्लास की वो 8 mm है। 8 mm का 4x6 का ग्लास मैं यूज कर रहा हूँ अपने लाइट बोर्ड के सेटअप में। आप अकॉर्डिंगली कोई और ग्लास या कोई और साइज यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेशियो है वो 16:9 के रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो 16:9 में ही करते हैं। तो इस चीज को आप दिमाग में रख के चलेंगे। तो पहली चीज आपको क्लियर हुई कि कोई भी क्रिस्टल क्लियर ग्लास हमें जाके ले लेना है दुकान वाले से, वो हमको दे देगा। अब दूसरी बात आती है कि हम इसका फ्रेम कैसे बिल्ड करेंगे। कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो फ्रेम मैंने बिल्ड किया हुआ है, जनरली क्या है, मैं चलो आपको दिखा देता हूं। ये एक लकड़ी का फ्रेम है, यहां पे वुडन के मैंने 4 पीसेस यूज किए हुए हैं, जैसा आप देख रहे हो। ये मेरा बैकवर्ड जो सबसे नीचे का है वो वाला स्पेस है, नीचे का स्पेस है, और ये साइड के 2 स्पेस हैं, और एक ऊपर का स्पेस मैंने ऐसे यूज किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें 3 वुडन के पीसेस लेने हैं या 4 वुडन के पीसेस लेने हैं, उनका साइज हमें यही रखना है 4x6 का। तो अब हम करने वाले क्या हैं, हम करने वाले ये हैं कि मैं टेबल के ऊपर अपना वुडन का एक पीस ऐसे लगाऊंगा और मेरे 2 वुडन के पीस ऐसे लग जाएंगे जिसमें ये मेरा ग्लास रुक जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं यहां पर एक वुडन का फ्रेम लगाऊंगा और 2 वुडन के फ्रेम यहां लगाऊंगा, तो उसमें ग्लास रखना है। अब बात आती है कि आपको उसमें ग्लास रखना कैसे है, तो सिंपली आप 2 काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जब आप लकड़ी का वो सेटअप लगा रहे होंगे तो कारपेंटर से बोले कि आपके लकड़ी के इस सेटअप में वो क्या करे कि बीच में वो 10 mm का एक ड्रिल टाइप में करवा के ले आए। आप 10 mm का एक ड्रिल वहां पे करवा के ले आए, तो उससे क्या होगा, 8 मेरी इतनी अच्छी नहीं है एज अकाउंटेंसी टीचर, फिर भी मैं आई एम ट्राई टू गिव माई बेस्ट, आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप इतना नॉलेज सबको होता है, तो लॉजिकली वो, तो आप क्या करेंगे, लकड़ी के पीसेज लेकर आएंगे। लकड़ी के पीसेज जनरली, अब इसका क्या साइज रहने वाला है, अगर आपका माइंड ये चल रहा है तो आप दुकान वाले से जाकर बोलिए मुझे 2x3 का बत्ता दे दीजिए। जनरली जो लकड़ी की दुकान वाले हैं वो इसको बत्ते के नाम से बोलते हैं, और पार्टीशन बनाने वगैरह में इस लकड़ी को यूज करते हैं। तो 4x4 इंच के 4 के 4x6 के 2 पीसेस लेने हैं, 4 के भी 2 लेने हैं, और 6 के भी 2 पीस आपको लेकर आने हैं। फिर आप क्या करेंगे, वहीं पर उस लकड़ी वाले से बोलें कि इसके अंदर आप स्पेस बना दें, इस लकड़ी के बीचों बीच ड्रिल करके आप एक स्पेस बना दें 10 mm का, क्योंकि 8 mm का अगर मेरा कांच रहने वाला है तो उसमें 10 mm का मैं क्या करा लूंगा, एक बोर करा लूंगा। तो साथ में आप ध्यान रखें, उससे पहले मुझे इस फ्रेम में लगाने से पहले याद रखना है कि मुझे किस तरीके की लाइट लगानी है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो फिर कैसे आप उसको लाइट बोर्ड बोलेंगे। तो जनरली क्या होगा, मैं यहां पर इस अपने ग्लास के चारों तरफ LED स्ट्रिप लाइट लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा, मैं इस ग्लास के चारों तरफ मैं एक LED स्ट्रिप लाइट लगा दूंगा और उससे इस ग्लास को कवर कर दूंगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको साइड में नहीं लगाना है, चारों तरफ, चारों कोनों पर, बिल्कुल चारों तरफ लगा देना, ऐसे पूरा कवर करते हुए LED स्ट्रिप लगा देनी है। और बाद में आप क्या करेंगे, एक ब्लैक टेप लगा दें, LED स्ट्रिप लगाने के बाद में उसको ब्लैक टेप से चिपका दें, क्योंकि अगर आप उसको बिल्कुल सटा के चिपका के लगाना है और ब्लैक टेप से अगर आप उसको कवर कर देंगे तो होने वाला ये है कि वो रुक जाएगी, इधर उधर नहीं भागेगी जब आप उसको फ्रेम में लगाते हैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ब्लैक टेप क्यों बोल रहे हैं, अगर आप ब्लैक टेप लगाएंगे तो आपकी लाइट का फोकस इधर उधर नहीं जाएगा, वो सीधा कांच के अंदर ही जाएगा, जिसकी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर लाइट का सेटअप अच्छा नहीं हुआ तो दिक्कत आ सकती है। कौन सी लाइट आप खरीदें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अमेजोन से खरीद सकते हैं या अपने लोकल डीलर से, कहीं से भी आपके आसपास जो LED स्ट्रिप मिलती है, प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा ब्राइटर LED स्ट्रिप उससे बोल दो, जो भैया जो ज्यादा तेज चलती हो वो वाली हमें दे दें, क्योंकि जितनी ब्राइटर आपकी LED स्ट्रिप होगी उतना मजा आपको आएगा। साथ में फिर क्या करेंगे, फाइनलाइज कैसे करेंगे, हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के चारों तरफ LED स्ट्रिप लगाई हमने, टेप से उसको कवर कर दिया और अपने फ्रेम में उसको उठाकर डाल देंगे। फ्रेम मैंने बताया क्या करना है, हमें लकड़ी का फ्रेम बनवाया हुआ है, उसमें 10 mm का हमने क्या बोर या गेज कराया हुआ है, और उसके अंदर हमने इनको कांच को फंसाया हुआ है ताकि वो फ्रेम टाइप में हो जाएगा। नीचे बेस में मेरी टेबल है, मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर मैंने नीचे वाला फ्रेम लगाया हुआ है,
दो साइड में फ्रेम लगाए हुए हैं और ऊपर से उसमें ऐसे मैंने कांच को डाल दिया है। डालने के बाद मैंने क्या किया, ऊपर एक और लकड़ी का फ्रेम लगाया और उस बॉक्स को क्लोज कर दिया, तो मेरा ग्लास बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बिल्कुल फिक्स है, जब मैं लिखता हूं तो इधर उधर नहीं जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, दुकान वाले से क्लिंप ले सकते हैं और उन क्लिंप के ऊपर भी सी टाइप क्लिंप्स आती हैं, उसके ऊपर भी आप अपने कांच को टेबल के ऊपर रोक सकते हैं, फिर जरूरत नहीं है आपको लकड़ी के इस अरेंजमेंट करने की। इस लकड़ी वाले पोर्शन के या क्लिप्स के बहुत ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, आप कारपेंटर से बात करेंगे वो आपको बहुत सारे सोल्यूशन बना देगा और ज्यादा नहीं 1500-2000 रुपए में वो आपके लिए एक अच्छा सा फ्रेम बना देगा। अगर आपको वो भी नहीं करना तो जो मैंने आपको बताई हैं वुडन के पीसेस 4-4, 6-6 के आप दो दो पीसेस लेकर आएं और उनमें बोर करा के ला दें और फिर उस किसी कारपेंटर को जाकर बता दें कि इसका एक सेटअप बना दो, तो वो बना कर दे देंगे, फिर आप उसको खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, या उसको झाड़ी पे ले आए, 400-500 रुपए वो लेगा और 300-400 रुपए में ही वो 500 रुपए में लकड़ी के पीसेस आ जाएंगे, तो 1000 रुपए में लगभग आपका फ्रेम तैयार हो जाएगा। अब बात करूं अगर मैं ये कितने का पड़ेगा, तो मैंने जो ये कांच का ग्लास लिया था ये मुझे 1500 रुपए का पड़ा था, ठीक है, लकड़ी के पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे तो इसलिए मुझे उनकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपने सेंटर पे जब पार्टीशन का काम कराया हुआ था तो वो 2x3 के मेरे पास थे, तो मैं सीधा गया, मैंने उनको खराद कराया, खरा टाइप में क्या बोलते हैं उसमें, रंदा टाइप में मारा और अंदर में उसमें क्या एक गैप बनवाकर ले आया और मैंने इसको लगा दिया। अब बात आती है हमारी कि हमें वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है, क्योंकि अगर ये हमारा लाइट बोर्ड स्टार्ट हो गया तो ऐसा ही नहीं है कि लाइट बोर्ड बनाया, हमने लाइट लगा दी, लाइट जलाई और हमारा काम स्टार्ट, नहीं, अभी भी हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी जो हम फेस करेंगे, अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें रिकॉर्डिंग के लिए, अगर हमें वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, याद रखें आप नॉर्मल अपने मोबाइल फोन का रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट मोबाइल फोन के अंदर आने वाला जो कैमरे का डिफॉल्ट फीचर है हम उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हम अपने एक्सपोजर वगैरह को सेट नहीं कर सकते हैं, उसको सेट करने में हमें प्रॉब्लम आती है और वो फोकस मारता रहता है कभी फेस पे कभी टेक्स्ट पे, तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ओपन सोर्स एक कैमरा आता है उस ओपन सोर्स कैमरे को डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, ये प्ले स्टोर से हमें ओपन सोर्स मिल जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, आप दो डाउनलोड करेंगे, एक ओपन सोर्स करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा एक रिमोट ऑफ ओपन सोर्स, ओपन सोर्स रिमोट करके एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसको भी डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको हमेशा ओपन करना है रिमोट ओपन सोर्स, जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आप इजीली फोकस सेट कर सकते हैं, इजीली एक्सपोजर को ग्लो कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं अपनी वीडियो को, ताकि बैकग्राउंड ब्लैक आए और आसानी से ब्राइटर ना हो और आपका काम थोड़ा सा एडिटिंग का काम कम हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओपन सोर्स में एडिटिंग कैसे करते हैं, अभी इतना बता रहा हूं कि ओपन सोर्स का यूज करेंगे हम। इसके बाद अगर आप लोगों का प्यार इस वीडियो पे आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर ओपन सोर्स की सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा और इजीली सारी चीजें वहां पे समझा दूंगा। उसके बाद आती है माइक की बात, माइक एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस वीडियो का या किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग का, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन का। माइक अगर अच्छा नहीं होगा तो वीडियो अच्छी नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं लाइटिंग सेटअप की, तो जैसे मैं अपने लाइटिंग सेटअप की बात करूं तो मैं अपने लाइट बोर्ड के इधर बैक साइड में खड़ा होता हूं, एक लाइट मैंने अपने सिर के ऊपर लगा रखी है, ओवर हेड वन लाइट है और दो लाइटें एक लेफ्ट और राइट से मुझे कवर करती है, तीनों लाइट का जो फोकस रहता है वो बिल्कुल मेरे फेस पर रहता है जिससे मेरा फेस थोड़ा ब्राइटर रहता है। साथ में मैंने लाइट कैसे बनाई हुई है, मैंने कार्डबोर्ड को काट के गत्ते लिए और गत्ते को इस शेप में काटा और इस शेप में काटने के बाद मैंने यहां कार्डबोर्ड में एक होल्डर लगा दिया और उस होल्डर में एक बल्ब लगाया है जो कि मेरा बल्ब 6 वाट का है और उस 6 वाट के बल्ब से को मैंने इधर व्हाइट कलर के कपड़े से कवर किया हुआ है ताकि जो लाइट रहे सोफिस्टिक रहे, ज्यादा डार्क लाइट ना आए, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लाइट आती रहे। और इसी के साथ मैंने क्या किया हुआ है, लाइट को कंट्रोल करने के लिए मैंने जो फैन का कंट्रोलर आता है अपनी लाइट को उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो कंट्रोलर में जैसे आप जानते हैं फैन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मैं उसकी स्पीड को कम करता हूं तो लाइट थोड़ी सी डाउन चली जाती है, बढ़ाता हूं तो थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है। आप इस तरीके के सॉल्यूशन को मार्केट में खरीदने जाएंगे, 10-10 हजार रुपए की फोकस लाइट आपके सामने बिकती है। तो मेरा सॉल्यूशन क्या है, देखिए मेरी एक लाइट है जो ओवर द हेड है, इसको भी मैंने कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है, अभी हमने कुछ टाइम पहले एक एलईडी खरीदी थी, उस एलईडी के कार्डबोर्ड को काट के मैंने इन लाइटों को बनाया हुआ है। और एक ये वाली लाइट है, इसको भी मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया हुआ है, सामने व्हाइट पेपर लगाया हुआ है, कपड़ा लगाया हुआ है, इस तरीके से मैंने ये वाला अपना सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इसमें भी हमने एक व्हाइट कपड़ा लगाया हुआ है और चारों तरफ कार्डबोर्ड है, अंदर हमने इसमें फॉइल पेपर लगाया हुआ है ताकि फॉइल पेपर लगाते हैं तो जो लाइट है वो ग्लो करके आती है। अब बात करते हैं कि कौन से राइटिंग मार्कर हमें यूज करने हैं, तो जो राइटिंग मार्कर की मैं बात करूं तो मैंने यहां पर ये हेलो लिखा हुआ है, पहले से ही मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है हेलो, तो आप देखेंगे ये कितना दिखाई दे रहा है, मैं चलिए फिर से एक बार लिख देता हूं,
मैंने इन मार्कर से हेलो लिखा, ये बिल्कुल भी फ्लैश नहीं हो रहा है, कितना ब्राइट नहीं दिख रहा है मैं जितना ब्राइट होना चाहिए। इसके मुकाबले अगर मैं आपके सामने अपने इन मार्कर से लिखता हूं तो देखिए कितना मजा आ रहा है और कितना ग्लो कर रहा है। जबकि दोस्तों ये वाले मार्कर मैंने खरीदे थे 1400 रुपीज के, ये एक्सपो के ड्राई इरेज मार्कर हैं, तो एक्सपो नियोन की जगह मैंने ये वाले खरीद लिए थे, क्योंकि आप एक्सपो नियोन खरीदेंगे तो वो अच्छा वर्क करेंगे, लेकिन ये हाईलाइटर मैंने खरीद लिया गलती से। और फिर मैंने इन मार्कर को खरीदा जो कि केवल 350 रुपए के हैं, इनका नाम है चौक पेन मार्कर्स, लिक्विड चौक पेन मार्कर, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इन मार्कर को खरीद सकते हैं और एक मार्कर से आसानी से 15-16 लेक्चर आप ले सकते हैं, तो कोई ज्यादा कॉस्टली भी ये नहीं पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं कि आप विच काइंड ऑफ मार्कर फॉर राइटिंग, अभी मैंने आपको बताया कि कौन से मार्कर हम यूज करते हैं, ये वाला मार्कर मैं यूज करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब कौन से सॉफ्टवेयर को मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ, तो दोस्तों एक चीज याद रखें, ये जो मैं सामने लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा सामने से रिकॉर्ड कर रहा है, तो जितना भी इस बोर्ड पर लिखा हुआ है वो सब उल्टा दिखाई दे रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए मैं एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं जिसका नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर में जाने के बाद में मैं क्या करता हूं, इमेज को फ्लिप कर देता हूं, जैसे ही मैं फ्लिप करता हूं वर्ड सीधे हो जाते हैं, बट उसमें होगा क्या, एज आई एम अ राइट हैंडर, लेकिन आपको दिखाई देगा वीडियो में कि मैं लेफ्ट हैंड से आपको लिखता हुआ नजर आऊंगा। जैसे अगर मैं आपको ये मूवमेंट दिखाता हूं कि मैं ये जो मूवमेंट कर रहा हूं ये आपको लेफ्ट हैंड से दिखाई दे रही है, जबकि मैं ये राइट हैंड से मूवमेंट कर रहा हूं क्योंकि मैंने इमेज को फ्लिप किया हुआ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो काइन मास्टर की हेल्प से हम अपनी एडिटिंग करेंगे। साथ में हमें क्या करना है, जो हमारी वीडियो बनेगी वो थोड़ी ब्राइटर बनेगी, तो हमें कलर एडजस्टमेंट में जाकर, काइन मास्टर में कलर एडजस्टमेंट में जाकर अपने एक्सपोजर को कम डाउन करके देखना। साथ में वहां दो फीचर और होंगे, उन फीचर को कम ज्यादा करने के बाद में देखेंगे, जब हमारा बैकग्राउंड पोर्शन बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा और हमारा राइटिंग पे भी कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े तो उसको सेट कर लेंगे। कैसे करेंगे आप, उसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ओपन सोर्स और काइन मास्टर को कैसे यूज करें, कैसे एक्सपोजर सेट करें फॉर लाइट बोर्ड, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर बना के बताऊंगा। लेकिन अभी तक के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है आपको कैसा लगा, एक लास्ट में बात की मैं यूज के सामने जो फोन है, एक फोन कैमरे से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, उसके लिए एक ट्राइपॉड की नीड आपको होगी, तो मैंने तो ट्राइपॉड खरीदा हुआ नहीं है, मैंने एक मिनी ट्राइपॉड खरीदा हुआ है जो 150 से 200 रुपए का मैंने लिया था, और एक घर में देसी स्टैंड बना रखा है, वाइपर का एक पाइप निकाला और उसके अंदर एक स्टिक लगाई और अपने साइज के हिसाब से उस पर एक छोटा सा बेस बनाकर मैंने वहां पे एक प्लाई का एक छोटा सा टुकड़ा रख के उसको बेस बना कर रख रखा है। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, इस तरीके का मेरा ये दिखाई देता है। तो ये भी आसानी से मैंने घर पे ही बिल्ड कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सामान सब ये रखा हुआ था, एक्स्ट्रा था, तो उसको मैंने यूज कर लिया था। आपको ये अल्टरनेट लगा के इसको बना सकते हैं। तो मैंने ये जो सेटअप बनाया है ये मुश्किल से अंडर 3000 मैंने इसको आसानी से बना लिया, आप भी बना सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कितनी आपको नॉलेज मिली, या कोई अगर आपका डाउट है इस बोर्ड से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताएं, हम आपका हर डाउट दूर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को हमें यूज़ करना है डिटेल में मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके भी उन चीज़ों का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं वहां से खरीदें, आपके आसपास जो रिटेलर हैं वहां से भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।